मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 7, जिसका नाम है अविकारी शब्द। क्या होता है अविकारी शब्द नहीं पता, चलो हम लोग देखते हैं। विकारी का अर्थ है बदलने वाला, जिनके रूप में विकार या परिवर्तन होता है। हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों का रूप बदलता है। तो विकारी का मतलब होता है जिसका रूप तुम बदल सकते हैं। वो जैसे हैं उनको उनके रूप से अलग रूप में उसे बदल सकते हैं। तो ये कौन से हैं? संज्ञा, सर्वनाम, फिर क्रिया और विशेषण। ये चार चीजों को हम रूप बदल सकते हैं। तो विकारी का मतलब होता है जिनका रूप बदला जा सकता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी किसे कहते हैं? तो अविकारी का मतलब होता है जिनका रूप बदला नहीं जा सकता। वो जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है अविकारी शब्द। और विकारी क्या होगा? जिनके शब्दों में हम बदलाव ला सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो ये चार हैं विकारी शब्द, यानी कि इनका रूप हम लोग बदल सकते हैं। वह कल यहाँ आया था, आने का
अंदर क्या आएगी, संबंधवाचक में कैसा होगा, वह घर के अंदर गया। तो जो के है वो दोनों के बीच का संबंध दिखाता है। वह नीचे बैठे, तो यह है वो खाट के नीचे बैठे। तुम ऊपर जाओ, तुम छत के ऊपर जाओ, तो ये के है, ये दोनों का संबंध बताता है और यहाँ कैसा नहीं है। फिर है समृच्छ बोधक, निम्नलिखित वाक्यों को देखो। गीता गाना गा रही है और मोहन तबला बजा रहा है। अब आज शाम को आएंगे या कल सवेरे आएंगे, मैं घड़ी लेना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। और या लेकिन आदि शब्द योजक है जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, यानी कि ये वाक्य को देखो, गीता गाना गा रही है और वह आज शाम को आएगा या मैं घड़ी लेना चाहता हूँ लेकिन, यानी कि ये या और लेकिन ये सारे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं जोड़ता हो। और यहाँ लेकिन आदि शब्द योजक है जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, दूसरे शब्दों में एक शब्द से वाक्यों का समुच्चय समूह बनता है, यानी कि दो वाक्यों को जोड़कर उनका एक वाक्य बनाते हैं, इससे समुच्चय बोधक बनता है। दो वाक्यों या वाक्य दूसरे को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। इनके पर्याय कौन से शब्द से बनते हैं, और या नहीं तथा अथवा पर एवं अन्यथा मगर व किंवा परंतु, ये सारे शब्द से क्या बनता है, समुच्चय बोधक, क्योंकि ये सारे शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं। लास्ट है विस्मय, शौक, घृणा, प्रशंसा, प्रसन्नता, डर, क्रोध आदि मन की भावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादि बोधक कहते हैं। यानी कि हमारा गुस्सा है, हमारी खुशी है, हमारा डर है, ये सबको जो जिससे हमें पता चलता हो, जो प्रकट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। इनकी उदाहरण देखो, अगर तारीफ या प्रशंसा के लिए कहना है तो वाह कितना खूबसूरत मकान है, शाबाश तुमने कितना अच्छा गाया। तो अगर हम किसी की तारीफ कर रहे हैं तो हम इस तरह से बोलेंगे, या किसी के कोई दुख में है या हम किसी को दुख प्रकट कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, हाय मेरी उंगली कट गई, हाय दर्द सहा नहीं जा रहा है, उफ किसी गर्मी है यहाँ पे। तो अगर हम दुखी हैं तो हम इस तरह से बोलेंगे। हानि या शौक, यानी किसी चीज का हमें शौक लगा है तो क्या बोलेंगे, हे राम यह क्या हो गया, हाय अल्लाह कैसी मुसीबत आ गई है ना, अगर परेशानी है तो हम ऐसा बोलेंगे। फिर प्रसन्नता है आनंद, अगर हम खुश हैं तो हम क्या बोलेंगे, वाह मजा आ गया, आहा इतना अच्छा है यहाँ। घृणा यानी किसी के बारे में अच्छा नहीं बोलते तब, छी कैसी बदबू है ये, थू ये भी क्या खाना है। और अगर डर हो हमें किसी चीज का हम क्या बोलेंगे, बाप रे ये कितना बड़ा सा, इसके बारे में ऑलरेडी हमने जूम में पढ़ लिया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो मुझे आप कभी भी बोल सकते हो। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा।